इमरान खान 5 साल होर मिलने चाहिए क्योंकि जी रही खुरी कसर है ना वो कट दे चंकी तरह इस मुल्क करे कसर खान ने तो नहीं कटी नहीं मैदान छोड़ के भजन करके मैं जिन्हें भी पढ़िया खान दे शोर जरूर देता पेंटी खाली पाई पढ़ने भी लाना सी कोई खान दे शोर जरूर देता बस गल खत्म की शोर देता माल बंदे एक एक करके भाई एक एक चैनल तुसी कारोबारी हो कारोबारी होंदे तुहानू पता होंदा खान दे दौर चा कम नहीं होए ओए जे चल जांदा ना सी पैक आ जन चल जांदा ओ गल सुन जेड़ा जितो तुहानू डालर आना ओ तो तुसी बंद करती मोरी ओए एदा मतलब केड़ी मोरी बंद करती तुहाडे अपने जिम्मेदारी करो अपना माल बनाओ इंपोर्ट करो खान ने तो तुहानू शऊर दित्ता है तुहानू तुसी माल बनाना एक मिनट मैं रोज बज्जो आ जा तुसी माल खान दी घुमसी ना मेरी सुनो ਮਾਹਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਤ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨੈਟ ਤੇ ਕੱਢ ਲਓ ਮਾਲ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਕਿ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਾਈਕ ਮਿੰਟ ਤੇਰੀ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੇਮ ਖਲੋ ਜਾ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ 32 ਮਾਹਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 36000 ਰੁਪਏ ਸੀ ਵੇਚਿਆ ਹੁਣ 65000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਅੱਛਾ ਥਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥਾ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਥੇ ਲੋਕ ਨਾ ਇਤਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਥੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੇ ਇਤਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ सिर्फ महंगाई पे तोड़ी महंगाई पे रोजन का लॉन्ग मार्च था महंगाई के ऊपर फजलुर रहमान का ये सबका लॉन्ग मार्च होता था डेली के रोज महंगाई हो रही है खान साहब गरीब का बच्चा भूखा मर गया सड़क के ऊपर उसका दौर में हर चीज अवेलेबल थी मौजूद थी मैं कहता हूँ कि उसने हमें कोरोना से निकाल के ना रूस तो पेट्रोल लैन गया तो हटे फायदे ले गया उन्होंने 150 से तरस आया मेरी आवाम लिए महंगा पेट्रोल ले आया उठा तो कि लिया अच्छा रूस गए ना लैन की पे आने जब खान साहब की हुकूमत जब दोनों ने तोड़ी तो उस टाइम मेरे हिसाब से पाकिस्तान के खजाने में 18-20 अरब डॉलर के लगभग था यही पूछ लो हाँ जी लेकिन इन्होंने ऐसा काम किया 8 महीनों में ना आवाम को रोटी मिल रही है
हमारे से ये हमारी अब ये चमड़ियों उतारने के चक्करों में पूरी यानी कि इनमें इनसे फायदा में कोई नहीं हो रहा। जो डॉलर बाहर स्मगलिंग करते हैं ना उन्होंने कोई नहीं पूछता, वही सारे सब तो ज्यादा वही तड़फते। जो डॉलर स्मगलर बाहर करते हैं ना वह सब तो ज्यादा झूंडी के जरिए जो पैसे देने उ तड़फते सब तो ज्यादा उन्होंने महंगाई है उन्होंने डॉलर भी ओह स्मगलिंग कर एक काम नु चाहिए है माल इथे बन रही पाकिस्तान दे विच माल बन रिया सी कंपनियां फिर बंद हो गई हैं बाहर कटन डॉलर ताजरा को बड़ा डॉलर है कटन बाहर आई साहब सुजुकी भज गई पाकिस्तान चो चलो डाला भज गया। एक मिनट दवाइयां ली एक सब तो बड़ी गल एक पैनाडोल नहीं बचा सके है पैनाडोल दी गोली भज गई जी बंद होई है इतने दौर च बंद आई सब जान दियो जो 2013 च हुकूमत आई नवाज शरीफ दी ठीक है 118 पेट्रोल सी बटा दे लिया एल पी जी गैस 300 रुपए किलो विकदी सी पुराने बंदे नवीं नस्ल दौर की दो बेटे है हमारी तो जवानी इन्होंने सिर्फ 40-45 साल इस चक्कर में पीपल पार्टी नून लीग ने गुजार दी के वो चोर है ये चोर है ये चोर है इन्हीं चक्करों के अंदर अगर इमरान खान ने 3.5 साल इनको आके ना चोरों की गल सुन लो चोरों की गल वो पीपल पार्टी जो निकल के निकल साफ से आया मुल्क की ये इन्हें लंदन भिजवा दे उनके पास ही की बात के वो कहते रहे ये जरदारी को पूछे कि जरदारी को क्या ये इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद कला शेर है तेरा जमाता के कला शेर है इमरान खान जिंदाबाद शेर आई साहब जब भी इनको कोई टक्कर का बंदा टक्कर देना यही पार्टी है आज से 30 साल पहले आई साहब नंबर एक तो मैं आपसे मदद चाहता हूँ आप मेरे से उम्र में बड़े हैं लेकिन ठहरो आप मुझे 21 अरब डॉलर का एक भी हिसाब दे दो मैं पीटीआई नवाज शरीफ के साथ ये सारी आवाम नवाज शरीफ के साथ डॉलर जाके पूछो जिना को डॉलर होंगे मेरे को पूछो फिर वो कहाँ गए 21 अरब डॉलर मैं तो कहना हम तो मशहूर हैं बच्चे हैं आपकी उम्र तो देखो आप अपने बाल तो देखो प्यार से गलत सुन ऐसे बड़े हैं आपसे बड़े हैं मदद कर रहा हूँ प्यार से तो सुन कर रहा हूँ गलत सुन गलत तो सुनता नहीं 5 साल नवाज शरीफ लिया उन्हें 55 रुपए किलो चीनी बेची सिर्फ रोड बनाए ने अस्पताल वो नहीं बनाया जो जो अपना इलाज करा सकन अस्पताल भी उन्हें बनाए इलाज नहीं करा सकते ये तो मामूली बातें हैं रोड के 5 साल लिया है माशाल्लाह हमारी आवाम है अगर हम अपना रेवेन्यू इकट्ठा करें तो हम रोज सड़क आखिरी पैगाम कर्ज के नीचे ले जा रहे हैं के चक्कर में ले लिए सारे तो चोर है भागे नहीं सिस्टम करें अवाम का सोचें उनका इख्तदार लंदन में अवाम बड़े परेशान में ना पाकिस्तान में हम पाकिस्तान में अवाम को आटा नहीं मिल रहा खाने के लिए जो भी तरह आपका भाग में इतनी अपने को कोई एक बात आप पॉइंट के साथ करें मैं वही तो कह रहा हूँ पॉइंट के साथ बात करें झूठे ऐसी 21 अरब डॉलर का हिसाब दे दो झूठे वो गया कितने आई है मैं अपने किस दी हो कितने गए इमाम साहब ने मस्जिद बादशाह मस्जिद इमाम कल तक तो चोर कर दियो ताड़ी मेहरबानी छड़ दियो सी नहीं बोले ए देखो साडा माल महंगा हो गया है और अहीं घूमा दान दे नाल किराया 2000 बाहर रोड ब्लॉक करना सर लोगों का सर मैं खुद दुकानदार हूँ मैंने सुबह की बिस्मिल्लाह तक नहीं की दुकान पे बिस्मिल्लाह तक नहीं की सस्ता मोबाइल सस्ता सामान ज्यादा बिक रहा है हम रो पड़े हैं सर यकीन करें जैन में रो पड़े हैं इमरान खान के दौर में कोई आंसू पंडे तो किन्ने चोरी किया चोर करो खान के दौर से एक दफा भी साबित करो आटा शाट लाइट
इनका एक इशू था खान साहब की हुकूमत को तोड़ना, इनका एक इशू था महंगाई। जब महंगाई इनके कंट्रोल में नहीं आई तो फिर उन्होंने जो डबल 150 वाली चीज वो 300 में पहुंचा दी। हाजी साहब खान सच बोल के गया, उन्होंने कहा मैं वक्ती तौर पे रिलीफ नहीं देंगा, रिलीफ देंगे तो पक्का देंगा। ये तो वक्ती तौर पे भी रिलीफ नहीं दे सके, हूँ ऐसे महंगाई मुकान आए सन मुक्की तो नहीं। मौलाना साहब आप तो खुदारा रहम करो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अदनान सर। अदनान भाई आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस मैन हूँ सर। कितना आपका किचन डैमेज हुआ, कितना उसमें महंगाई ने आपको असर डाला है इन दिनों में या पिछले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, जो भी डाटा आप शेयर कर सकें। सर मैं ना खान के दौर में लाहौर में आया, मैंने बिज़नेस शुरू किया, इंशाल्लाह मैंने बिज़नेस शुरू किया खान के दौर में आया, काम अच्छा था, सस्ता माल था। यकीन जानिए आप अगर ख़ुद दुकानदार हैं ना तो आप लोग ये समझते हैं, अगर आप घर का सर्कल चलाते हैं ना तो आपको पता होगा। यकीन जानिए खान के दौर में महंगाई हुई लेकिन इतनी नहीं हुई, महंगाई के साथ कुछ सहूलत भी मिली, कुछ सहूलत भी मिली। खान के दौर में हमने अच्छा खाना खाया, इस तरह नहीं हुआ कि जो इस दौर में हुआ। बिजली का बिल कंट्रोल से बाहर, मैंने खुद 40,000 रुपये का बिल पे किया है, मैंने खान के दौर में इतना नहीं किया बिल पे। और जो मैंने इस महंगाई में किया है, कॉपर मेरा इलेक्ट्रिक से रिलेटेड बिजनेस है, कॉपर 2,000 रुपये किलो पे चला गया, पुराना नया 2600-2700 रुपये पे चला गया। यकीन मानिए कि लोग जो नई मोटर कहते थे ना भाई, ये मोटर कितना फ़र्क है नहीं लेने में, 1,000 रुपये का फ़र्क है, मोटर नहीं दे दो। अब जब हम कस्टमर को कहते हैं ना कि यार 1500 इसको ठीक करने का है, नई मोटर 5,000 रुपये का, कस्टमर 600 दफ़ा सोचता है वो वापस चला जाता था। सस्ता माल था, ज़्यादा बिकता था, 150 पे हम बिज़नेस करने वाले लोग हैं, 150 पे अच्छा बिज़नेस था, अच्छा कमा रहे थे। इन लोगों ने तो आए हैं वो भी छीन लिया, हम इम्पोर्ट करेंगे, हम ये करेंगे, हम महंगाई ख़त्म करेंगे। इन्होंने महंगाई ख़त्म नहीं की, महंगाई 3 गुना कर दिया। सर आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम राणा मोहम्मद हुसैन। राणा साहब हाँ जी, ये सुनिए जी, राणा साहब की बात। मैं ऐसा काम करता सी, ठीक है, नवाशरी दौर मैं 2007 दा कर रहा, उदो कापर हुंदा 400 रुपए किलो, कोर हुंदी सी 90 रुपए किलो। जदों इमरान खान दा दौर आया ना, यह 2013 तक कोर 90 रुपए किलो ही रही है, कापर 450-450 रुपए किलो रहा, नवी तार। जदों इमरान खान दा दौर आया पिछले साल तो 2 साल तो कापर चल गया 1800-1900-2000 से, ठीक है, फिर पिछले साल तक चल गया 2100-2200 से, हूँ 2300 से हो गया कापर। उस तो पहले कापर जोड़ा ना 400 ही रहा है, जिड़ी भी हुकूमत आई कापर 400 रहा है। यह इमरान खान की हुकूमत कापर जोड़ा ना 1800-1900-2000 क्रॉस किया इन्हें, यह भावें चेक कर लो तुम, मैं कोलो नहीं कहता, तुम चेक कर लो, जिते मर्जी जाके चेक कर लो। फिर चीनी उन्हें 2013 तो ला के 2018 तक 55 रुपये किलो बेची, 55 तो नहीं, आटा 35 रुपये किलो बेचा, 55-35 रुपये तो उतो नहीं जान दिता। मेरा सवाल ये है कि PDM की गवर्नमेंट जब से आ गई तो उन्होंने कहा था हम गेम चेंज कर देंगे, वो क्यों नहीं चेंज हुई? ये गेम इसलिए नहीं चेंज हुई कि जब किसी बाहरले मुल्क से बात करते हैं ना, ये इधर से कोई ना कोई स्टंट खिलार देता है, कभी कोई असम्बली तोड़ देता है, कभी इस्तीफे दे देता है, कभी कुछ करता है, कभी कह देता मेरे को कला इलेक्शन 17 सीटों से लड़ा, कभी कह देता मैं 15-15 सीटें 35 सीटों से इकट्ठा इलेक्शन लड़ा। अच्छा कोई गल ही करने वाली, आप ये कह रहे हैं? मेरी गल सुन, अगर 35 सीटों से ये हल्फ नहीं ले सकता इलेक्शन क्यों लड़ रहा है? अगर 35 सीटों से अगर ये हल्फ नहीं ले सकता तो इलेक्शन क्यों लड़ रहा है? अगर जिन्नी सीटें, चलो तुम 3 सीटें रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, अगर 35 तो तुम्हें इलेक्शन भी कराना है, पैसा भी लाना है, हल्फ भी नहीं ले सकना, 1 सीट तो ज़्यादा ले सकता, कोई कानून मैं दस दो, है कोई कानून कि 35-1 सीट तो ज़्यादा हल्फ ले लवे? अगर इन्हें फिर 35 सीटों तो 9 सीटों तो इलेक्शन क्यों लड़िया? अगर 1 सीट तो इन्हें हल्फ लेना, 1 तो भी नहीं ले रहा।